मैं अभी बहुत बढ़िया लोकेशन पे आ चुका हूँ। देख सकते हैं आप कितना मस्त है ये झरना। देख सकते हैं ये, देखिए क्या लाजवाब दिख रहा है। यहाँ से बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की से। देखिए झरनों का आवाज़ सुनिए, सिर्फ क्या लाजवाब लगता है, मज़ा आता है इसे। लाजवाब, इतना पसंद आ गया कि मैं इधर रुक गया। गाइस बहुत बढ़िया यहाँ का सीन दिख रहा है, लाजवाब है। आप देख सकते हैं अभी अंबिका रिवर के पास खड़ा हूँ मैं। पीछे से ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिखेगा। देखे उधर बीच है, वो किनारे की ओर लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। देख सकते हैं उधर पुल है, वहाँ अच्छा ऊपर से फोटो खींच रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर का नज़ारा। और इधर जिधर भी नज़र डाले उधर सब मछलियाँ पकड़ रहे हैं। उस साइड की बात करें तो बारिश भी है और देख सकते हैं पानी भी बहुत ज़्यादा है। इस साइड में पदम डूंगरी इको टूरिज्म है, अभी कुछ डैम का काम भी चल रहा है। देख सकते हैं नज़ारा। दूसरे नाइस एरिया में आ चुका हूँ। ये घुसमाई माता जी का टेम्पल है नीचे, और ऊपर आप देख सकते हैं सीढ़ी से ऊपर जाने का है पहाड़ पे। देख सकते हैं अभी जा रहा हूँ ऊपर, रास्ता भी बहुत डेंजरस है, मालूम नहीं कैसा है। देखते हैं ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं, डेंजर है रोड भी, साइड में पूरा जंगल है। देख सकते हैं आज तो बहुत खतरनाक खतरनाक एरिया में घूमा हूँ। देख सकते हैं अभी इधर काम चालू है। ऊपर आते आते बहुत थक गया हूँ, रास्ता भी इतना डेंजर है, पत्थर भी ऊपर से आते हैं, वो डिस्कवरी वाला क्या उतरता नज़ारा ही। देख सकते हैं कितना डेंजर है, क्या बात करें, कोई नहीं आता इस टाइम को। लेकिन मेरी आज की इच्छा थी कि कहीं भी पहाड़ पे चढ़ गया। गाइस देखिए व्यू, बादल मेरे से टच होके जा रहे हैं, इतना बढ़िया नज़ारा है। मोबाइल भी पूरा भिगो दिया है। देखिए बहुत डेंजर है चढ़ाई करना, इस टाइम तो कोई नहीं आएगा ये एरिया में। देख सकते हैं कितना डेंजर है।
बीच में पत्थर भी बहुत बड़े बड़े पत्थर भी आ गए गाइस, देख सकते हैं जो मैं एटमोसफियर बोलते हैं उसमें जाने की सोच रहा था वही एटमोसफियर। इधर देख सकते हैं ये पूरा बादल ये धुआं धुआं दिख रहा है, मस्त है, देख सकते हैं आप लोग। मैं चोटी पे आ गया हूँ, यहाँ से नजर आई लाजवाब दिख रहा है, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर है इधर। और मैं आ गया हूँ टोच पे, यहाँ से वो रिवर का पानी भी दिख रहा है आपको पूरा क्लीन। उधर पहाड़ भी हैं जो बादल की वजह से ढक गया है चारों ओर, यहाँ का नज़ारा ऐसा ही है। यहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं से भी बादल टच होके जा रहे हैं, वाह क्या नज़ारा लग रहा है, देख सकते हैं मज़ा आ गया। कि बारिश ज़्यादा होने वाली है ऐसा लग रहा है एटमॉस्फेयर देख के। फिर से शुरू हो गई है, अभी हमको लेट हो गया है जाने को, नीचे उतरना पड़ेगा अभी। देख सकते हैं क्या व्यू है, जोरदार हो गया। अभी रात भी होने वाली है, अंधेरा सा हो गया है।